शाहीन से फखर जमान को यूज करना ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन वो उन्हें यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं बात करूंगा पहले फखर जमान की, वो फखर जमान जो कि हर फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है पाकिस्तान की तरफ से। वो अकेले ऐसे बल्लेबाज जिनके पास दोहरा शतक है, बावजूद इसके शाहीन शाह अफरीदी उनको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए वो ये है कि यार ये फखर जमान आपकी टीम में खेलते हैं पीएसएल से, लाहौर कलंदर से ओपन करते हैं, दो सीजन जिसमें आपकी कप्तानी में लाहौर कलंदर चैंपियन बने, आपने जो दो दो ट्रॉफी जीती, जो टाइटल डिफेंड किया उसमें फखर जमान ने ओपन किया और बड़ा रोल प्ले किया, बावजूद इसके आप उस बंदे से ओपन नहीं करा रहे हो। फखर जमान की बात करता हूं, आज का जो मैच रहा, जो पाकिस्तान इकलौता मैच जीता इस सीरीज का, उसमें फखर जमान ने 33 रन मारे महज 16 गेंदों में, यानी कि स्ट्राइक रेट रहा 206 का स्ट्राइक रेट। और बाकी सारे बल्लेबाजों क्या हाल था, बाकी सारे बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए, 183 17 गेंद पर पूरी सीरीज में आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट कितना रहा, 88 का। मतलब आप जब देखेंगे फखर जमान को और बाकी टीम को तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये वो टीम है। 134 रन पे फखर जमान ताबड़तोड़ रन बरसा के जाते हैं, बाकी का जो टीम का स्ट्राइक रेट है वो 88 के करीब का रह जाता है। तो ऐसे में समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि आप फखर जमान की पूरी सीरीज देखिए, आप वो टीम है जिसका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 115 का है। पावर प्ले का मतलब होता है अगर आप पावर प्ले हार रहे हो तो T20 में आप जीत नहीं सकते। ऐसे में आप फखर जमान को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ओपनिंग की थी, क्योंकि आपके ओपनर्स रन तो बना रहे थे लेकिन स्ट्राइक रेट नहीं ला रहे थे। उसके लिए आपने क्या किया, आपने बाबर आजम को नीचे भेजा और रिजवान को ऊपर रहने दिया, साथ में साय मयूब को लेकर आए, आप हसीबुल्ला को लेकर आए, लेकिन कोई नहीं चला। और इस पूरी सीरीज में आप फखर जमान का स्ट्राइक रेट देखिए, तीसरे T20 में फखर जमान ने 19 रन बनाए थे महज 10 गेंदों में, जिसमें एक छक्का और दो चौके लगाए थे, 190 का उनका स्ट्राइक रेट रहा था, 190 का स्ट्राइक रेट। दूसरे T20 में 25 बॉलों में 50 रन, 5 छक्के 3 चौके, 200 का स्ट्राइक रेट। पहले T20 में 24 रन 17 गेंद, 2 छक्के 1 चौका, 141 का स्ट्राइक रेट। आप सोचिए खिलाड़ी जिसका मिनिमम स्ट्राइक रेट 141 का रहा इस पूरी सीरीज में, उसको आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। आपने पूरी सीरीज में उसको मिडल ऑर्डर में खिलाया, जबकि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, वो है आपका ओपनिंग। 2022 के बाद से अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आप बहुत नीचे चले जाते हो, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उसके बाद आयरलैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, फिर आपका नंबर आता है पाकिस्तान का। मतलब आप पावर प्ले में 2022 के बाद से आपका स्ट्राइक रेट महज 115.2 का है, यानी कि आपके पास विस्फोटक ओपनर नहीं है। 6 ओवर 36 गेंद, उसमें आप करीब 40 रन बना रहे हो, करीब 40 रन। तो सोचिए अगर आप 6 ओवर में 40 रन बना रहे हो, आप उम्मीद रख सकते हो कि आप मैच जीत पाओगे, आप वर्ल्ड कप जीत पाओगे? नहीं यार, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप जीतने के लिए, आपको T20 के मैच जीतने के लिए पावर प्ले जीतना होता है, और आप 115 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले नहीं जीत सकते। ऐसे में आपको चाहिए था एक विस्फोटक ओपनर, लेकिन आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, क्योंकि आपने T20 फॉर्मेट में क्या कर दिया कि हमारे पास पहले बाबर रिजवान थे, अब सायम रिजवान है, हसीबुल्ला रिजवान है, बाबर और फखर अब नीचे चले गए। भाई सिंपल सा लॉजिक है, आप फखर जमान के पास स्ट्राइक रेट है, वो हर फॉर्मेट में ओपन करते हैं, रिजवान तो मिडिल ऑर्डर में खेलते भी हैं, आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाइए और फखर जमान को ऊपर लेके आइए, क्योंकि आपके नीचे सिर्फ श्रीलंका, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे है, वरना आपके नीचे कोई नहीं है। तो फुल मेंबर नेशन में अगर आपको पहले तो ये स्ट्राइक रेट सुधारना है, वर्ल्ड कप जीतना है, मैचेस जीतना है, तो फखर जमान से ओपन कराइए। आप ओपनिंग पेयर साथ में कोई भी रखिए, आप भले से रिजवान को रखिए, सायम को रखिए, बाबर को रखिए, किसी को भी रखिए, लेकिन फखर को नीचे मत खिलाइए, मेरा ये मानना है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपने राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।